भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक संयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहाँ तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म और हिंदी और हिंदुओं के प्रति घृणा कांग्रेस की स्पष्ट होती दिख रही है। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से ये है कि ये देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? अपनी करारी हार के बाद गाली गलौज पर उतर आया है और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक संयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये संयोजित सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। तभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मध्य रात्रि में भी जाकर खड़े हो गए थे। हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदू को, हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा सवाल तो यह भी है कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई? जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदू और हिंदियों दोनों का अपमान करो, तिरस्कार करो। और मेरा सीधा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है कि क्या उनका आशीर्वाद ये कांग्रेस के नेता और इनके सहयोगी दलों को नहीं है जो आज भारत को बांटने का बीज बो रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू और हिंदी के खिलाफ लगातार इनके बयान और इनकी सोच चल रही है? क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल नहीं कर रहे? क्या इसका बाहर निकलकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात को रखेंगे कि क्या मजबूरी है टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर अब भारत के टुकड़े टुकड़े देखने पर ये लोग उस तरह से आगे बढ़े? मेरा सवाल बहुत गंभीर भी है और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी कि दक्षिण में अगर कहीं पर मान लीजिए केरल को जीते हो तो क्या ये क्या कहते वहां पर, क्या शरिया कानून लागू है,
अगर ऐसा कोई कहता तो उनका क्या बयान होता? ये सवाल बार बार सामने आते हैं और मैं यही कहूंगा, हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चले और सबको साथ लेकर चले। दूसरी ओर कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद इसी मुद्दे को लेकर चली है और इस पर उनको जवाब देना ही होगा। ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म और हिंदी और हिंदुओं के प्रति घृणा कांग्रेस की स्पष्ट होती दिख रही है।